विंटर्स आते ही जैसे अपने कपड़े बदल लेते हैं ना हम लोग, वैसे ही अपनी स्किन केयर बदलना भी बहुत ज़रूरी है, वरना आपकी स्किन हो जाएगी ड्राई, डल, डिहाइड्रेटेड और सारा ग्लो स्किन से चला जाएगा। सो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी ऐसे 5 विंटर स्किन केयर जेम्स आपको देंगे ब्राइट ग्लोई स्किन इन दिस विंटर सीजन। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले लेट मी शेयर विद यू अ ब्राइटनिंग विटामिन सी सीरम स्पेशली फॉर द विंटर सीजन। अब सीरम्स के बिना गाइस बहुत अलग अलग टेक्सचर्स आते हैं। लाइक एक टेक्सचर होता है विटामिन सी सीरम का जो बिल्कुल ना वाटर लाइक होता है, जैसे कि अगर आपने उसको स्किन पे लगाया तो कुछ लगता ही नहीं है कि फेस पे लगाया हुआ है, बिल्कुल डिसॉल्व हो जाता है, कोई मॉइस्चराइजेशन या कोई ग्लो नहीं देता वो स्किन को। बट एक ऐसा टेक्सचर भी होता है विटामिन सी सीरम्स का जो थोड़ा सा क्रीम लाइक होता है। विंटर सीजन के लिए स्पेशली वो बहुत अच्छा है बिकॉज आपको एक एडेड ग्लो देता है फेस के ऊपर। सो उसके लिए आई हैव दिस फॉक्सटेल विटामिन सी ब्राइटनिंग सीरम। इसमें 15% विटामिन सी है। अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा सेंसिटिव है तो आई वुड रेकमेंड कि आप 10% या 5% से स्टार्ट करो, बट 15% डेफिनेटली गिव्स यू अ लिटिल मोर ग्लो, लिटिल मोर ब्राइटनेस। एंड विटामिन सी जैसे कि हमको पता ही है ब्राइटनिंग के लिए, स्किन ब्राइटनिंग के लिए बहुत अच्छा है। ये वाली जो सीरम है ना स्पेशली गाइज, इसका जो टेक्सचर है मैं आपको दिखाती हूँ, वो ना क्रीम लाइक है। सो उससे क्या होता है, जब आप इसको लगाते हो तो ये विटामिन सी तो अपना काम करता ही है, विटामिन सी आपको एक ग्लो तो देता ही है, बट उसके साथ जो इसका क्रीम टेक्सचर है ना उससे आपको एक एडेड मॉइस्चराइजेशन भी मिलता है। दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। आप देखो कितना क्रीमी है ये विटामिन सी। इसका बस एक पंप चाहिए गाइस, ज़्यादा नहीं चाहिए आपको, और आप इसको अच्छे से ब्लेंड करो। देखो कैसे मक्खन की तरह ब्लेंड होता है, और आप देखो एक इंस्टेंट वाला ग्लो देगा। सी, सो दैट इज समथिंग आई रियली लाइक। सो विटामिन सी ये वाला सीरम स्पेशली फॉक्सटेल का विंटर सीजन के लिए बहुत अच्छा है, एंड आई विल हाईली रिकमेंड इट टू यू। और इसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब प्रोडक्ट्स को एक्चुअली लिंक डाउन कर दूंगी। द सेकेंड विंटर स्किन केयर थिंग दैट जो आपको विंटर में स्विच करनी चाहिए फ्रॉम समर टू विंटर में इज मॉइस्चराइजर। सो समर में मोस्टली आई थिंक यू नो जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर्स, लाइट मॉइस्चराइजर्स जो स्किन के ऊपर लाइट रहे वो अच्छे रहते हैं, बट विंटर में गाइज क्रीमी मॉइस्चराइजर्स जो थोड़े से क्रीमी हो, डूई हो, ग्लोई हो, वो ज़्यादा अच्छे रहते हैं। बिकॉज सी विंटर में आपकी स्किन हो जाती है ड्राई, ऑयली स्किन भी ड्राई हो जाती है, उसकी वजह से वो खिंचती है। जितनी आपकी स्किन खिंचेगी उतनी ज़्यादा वो प्रोन होगी टू रिंकल्स, टू फाइन लाइन्स, और आपकी स्किन में ऑब्वियसली ग्लो नहीं आएगा। सो आई हैव सम गुड मॉइस्चराइजर रिकमेंडेशन फॉर यू स्पेशली फॉर दिस विंटर सीजन। सो एक्चुअली काफ़ी सारे हैं मेरे पास। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इससे, दिस इज द फॉक्सटेल सुपर ग्लो मॉइस्चराइजर। सो ये विटामिन सी बेस्ड मॉइस्चराइजर है। इसके अंदर गाइस विटामिन सी है। सो अगर आप विटामिन सी सीरम नहीं लगा सकते ना, अगर आपकी स्किन रिएक्ट करती है, आप बस ये लगा लो। सो दिस इज आल्सो रियली नाइस, बहुत ही अच्छा सा एक ग्लो देता है ये स्किन के ऊपर। देन वी हैव दिस द फॉर्मूला आरएक्स द बैरियर प्लस सेरामाइड मॉइस्चराइजर, पेप्टाइड सेरामाइड मॉइस्चराइजर। पेप्टाइड सेरामाइड्स बहुत अच्छे होते हैं गाइस स्किन के लिए, एंड इसकी इस तरीके से ट्यूब पैकेजिंग आती है। आप देखो कुछ ज्यादा ही निकाल लिया मैंने, बट इसकी कोई फ्रेग्रेंस नहीं है गाइस। ये बहुत ही नो नॉनसेंस टाइप का है, हर स्किन टाइप का बंदा इसको लगा सकता है। अब देखो बहुत इजीली ब्लेंड भी हो गया है एंड बहुत अच्छा ग्लो देता है, बिल्कुल भी ड्राई नहीं करेगा आपकी स्किन को। अगर आपकी स्किन एक्सेसिवली ड्राई है देन यू शुड गेट दिस बायोडर्मा सीबीएम हाइड्रा मॉइस्चराइजर। दिस इज फॉर एक्सेस ड्राई स्किन। अगर आपकी स्किन एक्सेस ड्राई नहीं है तो मैं ये रेकमेंड नहीं करूंगी बिकॉज फिर थोड़ा सा ऑयली कर देता है। उसके अलावा दिस डॉटन की वन, आप देखो मैं पूरा खत्म कर चुकी हूँ, दिस इज द सेरामाइड एंड हाइलुरोनिक स्किन बैरियर रिपेयर फेस क्रीम। ये भी बहुत अच्छी है एंड ऑल्सो अ वेरी अफोर्डेबल वन। ये अर्थ रिदम की फाइटोसेरामाइड है। अगर आपकी स्किन ऑयली है ना बट स्टिल आप थोड़ा सा एक अच्छा मॉइस्चराइजिंग लोशन चाहते हो फॉर द विंटर सीजन, तब आप ये लो बिकॉज ये आपकी स्किन को एक ग्लो भी देगी, आपकी स्किन को मॉइस्चराइज भी करेगी बट ओवरली ऑयली नहीं करेगी ये। दैट्स रियली गुड, थोड़ी सी लाइट वेट टाइप की है ये। सो अगर आपको हैवी क्रीम्स अच्छी नहीं लगती आप ये वाला ट्राई कर लो, ये ज्यादा हैवी नहीं है। दिस इज फ्रॉम अर्थ रिदम एंड आई रियली लाइक इट। नाउ इज द थर्ड थिंग जो विंटर स्किन केयर में बहुत इंपॉर्टेंट है और स्किन केयर में इन जनरल ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस सनस्क्रीन। सो अब मैं बिकॉज इस वीडियो में मैं आपको स्पेसिफिकली ब्राइटनेस और ग्लो के लिए बता रही हूं, तो मैं आपको ऐसी दो सनस्क्रीन बताऊंगी जो आपको सन प्रोटेक्शन भी देंगी, साथ साथ में आपको ब्राइटनेस भी देंगी और साथ साथ में आपको ग्लो भी देंगी। सो विंटर में आई वुड रेकमेंड कि आप मैट सनस्क्रीन ना लें, आप जेल बेस्ड सनस्क्रीन ना लें, आप क्रीमी सनस्क्रीन लें ताकि वो आपको एक मॉइस्चराइजेशन भी दे, सन प्रोटेक्शन भी दे, ग्लो भी
दें और विटामिन सी इन्फ्यूज्ड सनस्क्रीन आप लो, ताकि वो आपको एक एडेड ब्राइटनेस भी दें आपके स्किन को, आपकी स्किन टोन को ब्राइटन अप करें, टैन को रिमूव करें, रिड्यूस करें. सो दो रिकमेंडेशंस जो मेरे पास है आर दीज, इज फ्रॉम विश केयर एंड फ्रॉम फॉक्सटेल. सो दिस इज द विश केयर विटामिन सी प्योर ग्लो मिल्क सनस्क्रीन. सो मिल्क सनस्क्रीन इसका नाम है गाइज, बिकॉज इसका जो टेक्स्चर है ना वो बिल्कुल मिल्क के जैसा, आप देखो इस तरीके का लुक्स लाइक मिल्क ना. सो बस वैसा ही है और बहुत ज़्यादा लाइट वेट है, बट स्टिल आपके फेस को ग्लो देती है, आपके फेस को ऑयली नहीं बनाएगी, एकदम लाइट रहेगी, ऐसे लगेगा नहीं कुछ लगाया है. एवरीडे वेयर, एवरीडे यूज़ के लिए बहुत अच्छी है. और इसमें सबसे अच्छी बात कि इसमें है विटामिन सी, सो ये एक एडेड ब्राइटनेस भी देती है आपकी स्किन को. नाउ अनदर सनस्क्रीन विच इज़ रियली नाइस इज फ्रॉम फॉक्सटेल. दिस इज द फॉक्सटेल गोल्डन आर ग्लो सनस्क्रीन, जिसमें की है SPF 50, दोनों में SPF 50 है और PA इसमें तो प्लस 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 यानी कि 4 times प्लस है. और इसमें विटामिन सी भी है और इसमें नियोसिनमाइड भी है. इसका भी जो ग्लो है गाइज वो बहुत अच्छा है और ये भी ना बहुत लाइट वेट है. आप देखो कितना ईजिली निकली है और एकदम ईजिली स्प्रेड होती है और एकदम ईजिली ब्लेंड होती है. देखो जस्ट लाइक मक्खन, नो वाइट कास्ट. इन दोनों में वाइट कास्ट नहीं है. सो किसी भी स्किन टोन के हो आप यूज़ कर सकते हो. सो दीज टू सनस्क्रीन आर रियली गुड फॉर विंटर्स, फॉर ग्लो एंड फॉर ब्राइटनेस एज वेल. द फोर्थ थिंग जो कि मैं आपको विंटर स्किन केयर में स्पेशली रिकमेंड करूंगी आर फेस क्लेंजर्स. अब देखो हमें फेस तो अपना साफ करना ही है ना, सो हम यूजली फेस साफ करने के लिए यूज़ करते हैं माइसेलर वाटर. बट मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप विंटर्स में माइसेलर वाटर अवॉइड करो और उसकी जगह आप या तो फेस ऑयल्स यूज़ करो या फिर आप यूज़ करो फेस क्लींजिंग बाम्स. माइसेलर वाटर्स थोड़े से ड्राई रहते हैं गाइस, और बिकॉज माइसेलर वाटर आपको कॉटन पैड के साथ यूज़ करना पड़ता है, और स्पेशली जब आप कॉटन पैड के साथ यूज़ करते हो तो आपकी स्किन जो है गाइस वो रब होती है कॉटन से, उसकी वजह से वो और ज़्यादा ड्राई होती है. बट ये जो क्लींजिंग ऑयल है या क्लींजिंग बाम है, ये हम हाथों से आराम से यूज़ कर सकते हैं. तो एक अच्छी चीज़ इनसे ये भी होती है कि एक एक्स्ट्रा फेस मसाज आपके फेस को मिल जाता है, जो हमको ऐसे तो आलस आती है देने में, बट अगर क्लींजिंग के लिए हम इसको यूज़ करेंगे तो देना ही पड़ेगा ना हमको मसाज. तो एक एडेड बेनिफिट वो भी हो जाता है, जिससे आपका फेस कल्ट भी हो जाता है, रिंकल्स नहीं आते हैं, फाइन लाइंस नहीं आते हैं. ये एनवा का है क्लेंजिंग ऑयल. इसके अलावा और भी बहुत अच्छे सस्ते वाले भी आते हैं, वो भी मैं आपके लिए लिंक डाउन कर दूंगी. और ये बहुत अच्छा सा सस्ता सा अर्थ रिदम का क्लेंजिंग बाम है. आप देखो मैं ऑलमोस्ट पूरा खत्म कर चुकी हूँ गाइज. बहुत ईजिली मेकअप को रिमूव करता है और आंखों में चुपता नहीं, और बहुत सस्ता भी है. सो दिस इज वन थिंग आई डेफिनेटली वॉन्ट टू रिकमेंड टू यू फॉर दिस विंटर सीजन. द फिफ्थ थिंग एंड द लास्ट थिंग दैट आई वॉन्ट टू रिकमेंड टू यू फॉर दिस विंटर सीजन इज टोनर्स एंड एसेंस. एसेंस होती है जैसे कि ये कॉसारिक्स की एसेंस है गाइज. हम लोग यूजुअली जो भी एसेंस टाइप का यूज़ करते हैं ना विंटर समर्स में, आई वुड रिकमेंड कि आप ऐसी एसेंस यूज़ करो जो कि आपको यू नो एक एडेड ग्लो दे. ये कॉसारिक्स वाली बहुत ही मल्टी यूज़ है, आप इसको समर में भी यूज़ कर सकते हो, विंटर में भी. सो अगर आपको एक प्रोडक्ट चाहिए ना जो आप ऑल डे ऑल ईयर राउंड यूज़ कर सकते हो तो वो ये है कॉसारिक्स स्नेल म्यूसिन. आई नो बहुत इसके बारे में बात हो चुकी है, बट ये डेफिनेटली बहुत अच्छा है, सेंसिटिव स्किन को भी सूट करता है, मुझे पर्सनली सूट करता है, सो आई रियली लाइक इट. उसके अलावा जो भी आप टोनर यूज़ कर रहे हो ना विंटर सीजन में, समर में अगर आप थोड़े से लाइट वेट टोनर्स यूज करते हो जैसे कि वाटर बेस्ड जो ज्यादा होते हैं, आई वुड रिकमेंड विंटर्स में आप थोड़े से ग्लोई टोनर्स यूज करो जो हल्के से हैवी भी हो सकते हैं, लाइक दिस वन फ्रॉम आई एम फ्रॉम राइस टोनर. ये बहुत अच्छा सा गाइज मिल्की टोनर है, आप देखो, एंड बहुत अच्छा एक ग्लो देता है आपकी स्किन को. इसके अलावा गाइज बहुत अच्छे सस्ते सस्ते भी आते हैं इनिसफ्री के, टोनी मोली के, मतलब बहुत सस्ते तो नहीं होते बट फिर भी कंपैरेटिवली इससे थोड़े से सस्ते होते हैं, तो वो वाले भी मैं आपके लिए नीचे लिंक डाउन कर दूंगी. बट यस डेफिनेटली आई वुड रिकमेंड कि विंटर्स में आप थोड़े से ज्यादा हाइड्रेटिंग मॉइस्चराइजिंग टोनर्स और एसेंस यूज करो. सो गाइस दिस वर ऑल द प्रोडक्ट्स दैट आई वांटेड टू शेयर विद यू स्पेशली फॉर दिस अपकमिंग विंटर सीजन. बहुत सारी जगह पे आ भी चुका है, जहां मैं रहती हूँ वहां पे हल्की हल्की ठंड हुई है, बहुत ज्यादा नहीं. और आज बिकॉज मैं स्किन केयर वीडियो कर रही थी तो मैंने कुछ ज्यादा मेकअप भी नहीं किया, जस्ट थोड़ा सा ब्लश लगा लिया, थोड़ा सा टिंट लगा लिया, थोड़ी सी लिप बाम लगा लिया और आईब्रोज एंड लैशेस को थोड़ा सा किया. और मुझे पर्सनली ऐसा ही मेकअप लुक ना गाइस बहुत अच्छा लगता है, बिल्कुल लाइट वेट सा. आई विश सारी वीडियोस में ना ऐसे ही कर सके. मुझे तो ऐसा था शादियों में भी ऐसे मेकअप करके जाओ, बिकॉज अगर आपकी स्किन अच्छी है ना गाइज, अगर आपकी स्किन ग्लोई है तो आप बेसिक मिनिमल मेकअप भी करोगे ना तो भी वो अच्छा लगेगा. सो आई थिंक पहले हमको अच्छा स्किन केयर करके अपनी स्किन को सुधारना चाहिए, उसके बाद वी शुड इन्वेस्ट मोर इन मेकअप एंड स्टफ लाइक दैट. बट यस मेकअप मुझे भी करना बहुत पसंद है. अगर स्किन कभी प्रॉब्लमैटिक हो जाती है ना, जैसे पिंपल्स भी आ जाते हैं, तो उस केस में गाइज मेकअप बचाता है पिंपल्स को छुपाने के लिए. सो आई थिंक दोनों ही अपनी जगह पे बहुत इंपॉर्टेंट है. इसी के साथ ही कम टू द एंड ऑफ द वीडियो गाइस. वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर लेना, कुछ क्वेश्चंस है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो या फिर मुझे पर्सनली इंस्टाग्राम पे मैसेज करके भी पूछ सकते हो. ऑल्सो
जाने से पहले बेल नोटिफिकेशन को दबा देना ताकि जब भी मैं वीडियो पोस्ट करूं आपको इमीडिएटली नोटिफिकेशन आ जाए एंड डू नॉट मिस आउट ऑन एनी कंटेंट फ्रॉम माय साइड। वीडियो में अभी तक अगर आप मेरे साथ बने हुए हो, थैंक यू सो मच गाइस। जय हिंद।